ठीक है, पर जितना इसमें दे रखा है इतना देखो लर्न करके जाएगा हर बच्चा। जरा देखिए गाइस इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसेट्स जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसेट्स में पहली प्रॉपर्टी देखिए, एसेट्स हैव अ सॉर टेस्ट। एसेट्स जो है उनका जो टेस्ट है वो सॉर होता है, यानी कि खट्टा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, एसेट्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो हमें मालूम है कि एसेट्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एसेट्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्वड इन वाटर वी गेट एसिड सॉल्यूशन। जब किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करा जाता है तो हमारे पास एसिड का सॉल्यूशन आ जाता है। किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड का सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास। तो पहली प्रॉपर्टी एसिड सब सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है उनका। अगर हल्का सा उनको जीप पर टच करके देखा जाए तो उनको खट्टा खट्टापन का एहसास होता है। सेकंड है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का सॉल्यूशन कब तैयार होता है, जब आप पानी में ड्रॉप बाई ड्रॉप करके एसिड को मिक्स करते हैं तो एसिड का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। फोर्थ है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जो है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है ना जिंक मेटल के साथ तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर है। तीन जो शुरुआत की प्रॉपर्टीज हैं तो थियोरेटिकली उनको तो सीधा याद रखना है, रट करना है। चौथी प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो अगर कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर हमने मेटल ले लिया जिंक और एसिड ले लिया H2SO4। तो जैसे जिंक है तो जिंक की वैलेंसी होती है 2+ और H2SO4 को स्प्लिट करेंगे तो H1+ और SO4 2-। सल्फेट का जो वैलेंसी है वो 2- होती है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक मेटल है, एक मेटल यानी कि सिंगल एलिमेंट है और एक कंपाउंड है H2SO4। तो जब कभी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड क्रिएट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हम सिंगल वाले एलिमेंट को देखते हैं, सिंगल वाला एलिमेंट इसके कैटायन से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर लाई करता है, हाइड्रोजन नीचे लाई करता है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा। जिंक की वैलेंसी 2 है वो सल्फेट के साथ चली जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी 2 है वो जिंक के साथ चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा, Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, ये हो गया H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमको याद रखना है कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब नेक्स्ट आएंगे पेज नंबर 7 पर। तो पेज नंबर 7 पर आप देखेंगे कि इसी को एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ दिखा रखा है। अब ये पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखा रखा है कि हाइड्रोजन गैस किस तरह से प्रोड्यूस होगी, किस तरह से लिबरेट होगी। तो हम ये देखेंगे केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, इसमें हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन जो गैसेस हैं, जब भी किसी रिएक्शन में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो गैसेस हमेशा याद रखें कि गैसेस जो हैं वो दो गैसेस हैं जो प्रोड्यूस होती हैं। दो गैसेस हैं पूरी केमिस्ट्री में 10th क्लास में यही देखें कि या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको लाइम वाटर बोलते हैं। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दिया जाए तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की बना देता है, वाइट कलर का बना देता है। तो और उसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा होता है, वो होता है हाइड्रोजन। या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं पर भी अगर गैस लिबरेट होगी, पूरी केमिस्ट्री में 10th क्लास की, अगर गैस लिबरेट होगी तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो पता है कि इट टर्न्स लाइक वाटर मिल्की। हाइड्रोजन का क्या होता है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पॉप का मतलब ऐसी आवाज़ जैसे बबल्स फूटते हो, इस तरीके की आवाज़ निकलेगी, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अच्छा, तो वही एक एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखा रखा है।
the reaction of dilute sulfuric acid with zinc metal to show the formation of hydrogen gas can be carried out as follows. तो नीचे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने दिखाया कि यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई इस तरह से, एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर क्लैंप्स की हेल्प से ये स्टैंड पर हमने वर्टिकली फिक्स कर दिया। ये तो है हमारे पास सिंक के छोटे छोटे पीसेस, सिंक ग्रैन्यूल्स। ये है डाइल्यूट H2SO4 और फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर रिएक्शन के तौर पर तो हमने ये देख लिया कि हमने यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स है यानी कि सॉलिड जिंक है और उसमें डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों कंबाइन कर रहे हैं जिंक और H2SO4। तो जिंक और H2SO4 ये दोनों का जब रिएक्शन होता है तो ZnSO4 यानी कि एक सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट सॉलिड बनेगा, सॉल्ट तो यहीं रह जाएगा टेस्ट ट्यूब में और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो जब भी गैस कहीं पर प्रोड्यूस होती है तो गैस तो फैलना शुरू कर जाती है चारों तरफ, गैस तो डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, एटमोसफियर में घुलने लगती है, तो वो जो गैस है वो गैस कहीं इधर उधर एटमॉस्फेयर में मिक्सअप ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर रबर कॉर्क लगाई। रबर कॉर्क में इतना ही स्पेस छोड़ा गया जिसमें ग्लास डिलीवरी ट्यूब बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स हो जाए, तो गैस के जितने भी फ्यूम्स यहाँ से निकल रहे हैं वो तो सारे के सारे इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर हमने एक ट्रफ ले रखा है, उस ट्रफ में पूरे के पूरे में हमने सोप सॉल्यूशन भर रखा है, साबुन का पानी है, ठीक है। तो वो जब यहाँ पर बुलबुले उसके जो बबल्स हैं जब वो निकलने लगेंगे तो वो धीरे धीरे यहाँ से
यहाँ से इसमें से जो सरफेस है सरफेस में से निकल निकल के और वो बबल्स जो हैं ऐसे बाहर आने शुरू हो। अब ऐसा ही एक बबल है, उस बबल के पास में हमने क्या करा कि हम एक बर्निंग कैंडल लेकर आ गए, ठीक है। जैसे ही हम कैंडल लेकर आए, कैंडल लाते ही क्योंकि ये जो बबल्स थे, जितने भी ये बबल्स थे, बबल्स के अंदर गैस भरी हुई है, और गैस कौन सी है भाई, जो गैस निकलेगी वही तो होगी गैस इसके अंदर। तो गैस कौन सी है इसमें, गैस है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप्स आउट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप्स आउट, बर्न्स विद अ पॉप्स आउट, ठीक है। वही सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड ऐड अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। तो हमने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, उसमें थोड़ा सा हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया। वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। पास द गैस बीइंग फॉर्मड थ्रू द सोप सॉल्यूशन टेकन इन अ ट्रफ बाय मींस ऑफ अ ग्लास डिलीवरी ट्यूब। गैस फिल्ड बबल्स आर फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन विच राइज इनटू द एयर। फिर फोर्थ स्टेप है, ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड सोप बबल। द गैस प्रेजेंट इन सोप बबल बर्न्स विद अ पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन, जैसे कि थोड़ा सा वो बर्स्ट हो गया, उस तरीके की थोड़ी सी आवाज आएगी। ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स मेकिंग अ पॉप साउंड। This shows that hydrogen gas is evolved from the reaction of dilute sulfuric acid with zinc metal taken in the form of zinc granules. तो हमेशा याद रहे कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस जो है वही पॉप साउंड के साथ में चलती है, पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। तो इसलिए इसी से ये पता चलता है कि जब भी किसी मेटल को हम किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ चलती है। उसके बाद देखें, curd and other sour food stuff such as vinegar, lemon juice, orange juice, etc. should not be kept in metal vessels as this stuff contains acid and can react with metal to form poisonous metal compounds and can cause food poisoning. ठीक है, तो क्या होता है कि curd and other sour food stuff, तो दही हो गया या और कोई sour food stuff हो गया, जैसे मान लीजिए अचार हो गया या vinegar हो गया, ये कभी भी मेटल कंटेनर में रखा हुआ नहीं मिलता, कभी भी इनको मेटल कंटेनर्स में पैक नहीं करा जाता। उसका रीज़न ये है कि मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट करेगा, और एसिड रिएक्ट करने के साथ साथ एक तो हाइड्रोजन गैस बना देगा, चलिए हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस तो एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगी, चली जाएगी, लेकिन साथ में जो सॉल्ट बन जाएगा ना, वो सॉल्ट जो है वो बड़ा पॉइजनस होता है, वो बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। तो उसका हमेशा ग्लास के कंटेनर्स में या प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखा जाएगा। कभी आप मार्केट में भी जाएंगे तो आप अगर अचार खरीदेंगे मार्केट से, तो आप देखेंगे कि या तो वो कांच की शीशी में या फिर वो प्लास्टिक की शीशी में, वो कभी भी किसी मेटल के कंटेनर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, और जब एसिड सिट्रिक एसिड होता है या फिर एसिटिक एसिड होता है, तो वो जो एसिड है वो एसिड उस मेटल कंटेनर को ही ख़राब करने लगता है, हीट करने लगता है, उसी को जगह जगह छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे नहीं तो उसमें। चलिए जी, इसके बाद आइए पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर है फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये पाँचवीं प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब भी कभी एसिड्स का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में होगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह से प्लस एसिड गिव
salt, plus carbon dioxide, plus water. तो दोनों ही केसेस में ऐसा होता है कि मेटल कार्बन का एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आपको पांचवी प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखिए शुरुआत की जो तीन प्रॉपर्टीज हैं थियोरेटिकल, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट, इनका खट्टा स्वाद होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चौथी प्रॉपर्टी ये थी कि एसिड्स का जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड करो, आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं एक देखूंगा मेटल कार्बोनेट और एक देखूंगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे होगा, पहले मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट के लिए, इसमें एग्जांपल के लिए हमने क्या करा, हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। Na2CO3 प्लस एसिड के नाम पर हमने ले लिया HCl ले लिया, चलिए HCl। अब एक चीज ये समझ में आ रही है मेरे को कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है और इधर HCl है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इधर से मेटल के नाम पर सोडियम है और इधर से एनायन के नाम पर क्लोरीन है, तो सॉल्ट के नाम पर तो NaCl बन जाएगा, सॉल्ट के नाम पर तो NaCl हो गया। उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बनेगा ही बनेगा। जब भी कभी मेटल का कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक तो सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट तो आपने देख लिया, इधर का कैटायन उठा लिया, इधर का एनायन उठा लिया, ठीक है। NaCl हो गया, साथ में CO2 प्लस H2O आप लिख दो, बिना कुछ सोचे समझे वो लिख दो। एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब इसके बाद इसको आप बैलेंस कर लीजिए, इधर देखिए सोडियम के दो एटम है, इधर सोडियम का एक एटम है, तो बैलेंस करने के लिए इधर टू लगाएंगे, ठीक। ऐसे ही अब अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन के आगे वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कार्बन का एक एटम, इधर भी कार्बन का एक एटम। ऑक्सीजन के आगे थ्री लिखा हुआ है, इधर ऑक्सीजन का टू और वन थ्री, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे टू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है तो टू लगा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का टू हो गया, क्लोरीन का वन टू जो क्लोरीन का वन टू जो क्लोरीन ऐसे बैलेंस है, तो पूरी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गया। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट। आपका मन करे पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करा दो, ठीक है, तो Na की जगह के आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब हम ये कहेंगे कि ये तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा, तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये लिया। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट निकालेंगे, चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिया जाएगा कि यहाँ सोडियम के कितने एटम हैं, एक एटम, ठीक है, सॉरी दो एटम, इनमें से एक एटम गायब कर दो और उस एक एटम की जगह हाइड्रोजन इंसर्ट कर दो, NaHCO3, इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। बेकिंग सोडा वो होता है जो घर में कभी छोले राजमा या चना जब ये बनता है ना तो उसको थोड़ा फुलाने के काम आता है, वो बनाने के लिए बेकिंग सोडा उसमें डाला जाता है, ठीक है। नहीं तो वो इतने हार्ड होते हैं जो दांतों से चबाए भी नहीं जाएंगे, और या फिर उसको कम से कम 24 घंटे तक या 30 घंटे तक भिगोना पड़ता है, ठीक है, इतने ज़्यादा हार्ड रहते हैं। तो एक रात में तो इतना होगा नहीं कि रात में मन करा कि नहीं कल सुबह ना मेरे को छोले खाने हैं, अभी रात में भिगो दिए तो 7-8 घंटे में थोड़ी भीगेंगे, वो फूल ही नहीं पाएंगे उतना। तो उनका जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो लेयर बड़ी हार्ड होती है, तो उसके थ्रू वाटर को बड़ी मुश्किल से अब्जॉर्ब कर पाते हैं, करते हैं लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। उसको प्रोसेस को फास्टन करने के लिए उसमें अगर बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो वो उसकी एपिडर्मल ओपनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो वो जल्दी जल्दी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बेकिंग सोडा की खास प्रॉपर्टी है, छोले बनाने के लिए, राजमा बनाने के लिए, चने बनाने के लिए, सोयाबीन बनाने के लिए उसमें बड़ा काम आता है। अच्छा अब इसका रिएक्शन HCl के साथ कराया तो क्या होगा, अब भी वही बनेगा, अब भी ये तीनों चीज़ें बनेगी, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो सेम है, साथ में सॉल्ट है तो सॉल्ट कौन सा, सोडियम और क्लोरीन, NaCl तो मिलेगा प्लस CO2 प्लस H2O, ये तो फिक्स है,
मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो फिक्स है जो बनेगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों रिएक्शंस में अंतर क्या है वो देखते हैं। अब जरा इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए, बैलेंस है ना, यही अंतर है दोनों में। अंतर कि जब इसको बनाया गया, जब सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट का जब रिएक्शन करवाया तो जो NaCl है वो ट्वाइस ऑफ NaCl ऑब्टेन हुआ बिल्कुल, और जब इसका रिएक्शन करवाया तो सिर्फ NaCl ऑब्टेन हुआ। तो आप ये देखिएगा कि अगर सेम सेम क्वांटिटी ली जाए HCl की सोडियम कार्बोनेट की, मान लो 10 ग्राम की 10 ग्राम ये ले लिया, 10 ग्राम की 10 ग्राम ले लिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस वाले केस की बात करूँ, इसमें मान लो सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 5 × 10 यहाँ पर 10 ग्राम बनेगा, तो यहाँ मेटल कार्बोनेट में जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी ऑफ डबल द क्वांटिटी एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। केवल अंतर इतना है और कोई अंतर नहीं। मेटल कार्बोनेट के केस में जो सॉल्ट बनेगा वो डबल अमाउंट का बन जाएगा और उसमें वो सिंगल अमाउंट का बनेगा। समझ गए, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताए भाई, पाँचों अक्ष अर्चिता अक्षय प्रियांशी, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे को ये देखना है कि इस वाले रिएक्शन में हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करके देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो इट टर्न्स इट मिल्की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइट वाटर, लाइट वाटर को ये वाइट कलर का बना देता है, मिल्की बना देता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वही दे रखा है पेज नंबर 8 पर बिल्कुल नीचे की तरफ है, दस एसिड क्रिएट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज फॉलोज। ये कैसे रिएक्ट करेगी वो देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस वाटर बनता है, CaCO3 प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको कहते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। घर में जब सुबह टूथपेस्ट करते हैं ना उस टाइम देखना, अगर वाइट वाला टूथपेस्ट आप कर रहे हैं तो जेल वाला आता है, एक वाइट वाला जो टूथपेस्ट होता है तो उसको अगर आप करते हैं तो आप जब भी सुबह टूथपेस्ट करें तो सुबह सुबह ही एक बार मलती हुई आंखों के साथ भी एक बार जरा देख लेना उस पर पीछे इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा है। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ होता है। दो तरीके के आते हैं ना टूथपेस्ट, एक तो आता है वो जेल जेल फॉर्म में होता है और एक होता है जो वाइट कलर का होता है, तो उसमें आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट होता है मेन इन्ग्रीडियंट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बोन्स को चमकाता है, दांत जो है वो भी बोन्स है। चलिए जी आगे चलते हैं। If excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, अब इसका भी इस रिएक्शन की भी एक खास बात है, इस रिएक्शन की खास बात यह है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड पास करानी है, ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आपने दरिया बहा दी उसके अंदर कि चलो कि चलो पास ही कराते रहो उसको, नहीं, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर पास करा दी बस, ठीक है। अब क्या है आगे, पेज नंबर 9 पर आइए। If excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, then the white precipitate form first dissolves due to the formation of a soluble salt calcium hydrogen carbonate and then the solution becomes clear again, the solution jo hai bilkul clear ho jata hai। to aap ye dekhiyega ki ek bar carbon dioxide gas aapne pass kar rahi to aapko ye mil gaya na CaCO3+H2O, aap test tube mein jo CaOH2+CO CaOH2 kuch tha, kuch particular amount ka tha aur kuch particular aapne carbon dioxide dal di bas। अब ये थोड़ी है कि उस पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ही दिया, वो गैस उस पर पास ही करे जा रही है, पास ही करे जा रही है, भाई लिमिट होती है, लिमिट होती है किसी भी चीज़ की कि भाई आपने क्या करा कि अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाते टाइम आप उसमें दूध डालेंगे, पत्ती डालेंगे, और ये थोड़ी है पानी उस पर डालते ही चले जाओगे, भगोना भर गया पूरा पूरा बह गया। तो अब आपने क्या करा, आपने पर्टिकुलर अमाउंट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जब टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये दोनों चीज़ें खत्म हो गई,
अब टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या बच रहा है, CaCO3+H2O। लेकिन आपको खुराफात सूझी, आपने क्या करा कि नहीं, मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और डालूंगा इसमें। तो अब आपके पास ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं, ये है आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर CaCO3+H2O, ठीक है, और CO2 आप पास करा रहे हैं। तो CO2 पास कराना भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि होता है ना फ्रूटी पीने वाला वो स्ट्रॉ होता है, वो स्ट्रॉ लेकर फूंक मारनी होती है बस, हमारे मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। तो फूंक मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, लगे पड़े उसको। तो CaCO3+H2O+CO2, अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaHCO3 होल्ड वाइज, CaHCO3 होल्ड वाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, लर्न करना है आपको। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये ना मिल्की नहीं होता, ये तो मिल्की होता है, वाइट कलर का होता है। और ये जो है सॉल्युबल इन वाटर, ये ट्रांसपेरेंट होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे का सुनिए। तो ये रिएक्शन जो है ये आपका ये बताने के लिए हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक क्लियर है, चले आगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, ठीक है। तो खाना खाया और खाना बड़ा टेस्टी लग रहा था, तो खाते चले गए, ठीक है। ये देखा ही नहीं कि भाई जो स्टमक है, स्टमक एक पर्टिकुलर अमाउंट का एसिड है वो प्रोड्यूस करता है, और लग गए खाने पर। तो अब स्टमक को भी लगा कि आज जो मेरा मालिक है वो पागल हो गया है, वो खा ही जा रहा है। उसने स्टमक ने क्या करा कि अच्छा इतना सारा खाना आ रहा है तो ठीक है, मैं भी HCl ज़्यादा प्रोड्यूस करता हूँ। उसने HCl ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करा। अब खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब आपका पेट फूल गया और आप घूम रहे इधर से उधर, टहल रहे हैं कि भगवान शांति मिल जाए, पेट को शांति मिल नहीं रही है। उल्टा क्या हो रहा है कि वो खाने को डाइजेस्ट करने के चक्कर में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो एसिड आपका जो स्टमक है उस स्टमक को भी अफेक्ट कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको डकारें आ रही हैं किसी भी, ठीक है। और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो डकार आ रही है वो खट्टी डकार आ रही है, सुना है खट्टी डकार, खट्टा खट्टा सा मुँह पानी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी, उसी प्रॉब्लम को एसिडिटी बोलते हैं। तो अगर एसिडिटी हो गई है ड्यू टू ओवर ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज रेमेडी। बेकिंग सोडा जो है, अब इस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को कि भाई किसी दिन एसिडिटी हुई, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था, मुझे ना बेकिंग सोडा खा लेना चाहिए, अभी बेकिंग सोडा खाओगे एकदम से उल्टी हो जाएगी। बेकिंग सोडा खाने का भी एक तरीका होता है, इतना कड़वा होता है ये, इसको एकदम से नहीं खाया जा सकता। बेकिंग सोडा एक चम्मच हाथ में रहे और दूसरे हाथ में ना पानी बिल्कुल मुँह के पास रहना चाहिए, बेकिंग सोडा मुँह के अंदर पानी अंदर, एकदम से उसको बस निकल जाओ, क्योंकि अगर उसका स्वाद ले लिया ना आपने तो जो भी खाया वो सब निकल जाएगा, ठीक है। तो वो इतना कड़वा होता है। तो जैसे एसिड्स की खास प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, ऐसे जो बेस होते हैं, बेसिस की खास प्रॉपर्टी होती है कड़वे होते हैं। तो ये जो है बेकिंग सोडा बेस होता है। कभी भी अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड में बेस मिला दीजिए। एसिड पर पानी डालने से कुछ नहीं होता, अभी खट्टी डकार आ रही और आप पानी पर पानी पिए जा रहे हो, कुछ नहीं होगा, पेट और फूल जाएगा, ठीक। लेकिन फ़ायदा कब होता है, देते हैं ना इनो ले लो, तो इनो में यही होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी बेस ही होता है। तो आप ये देखिएगा, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज रेमेडी, दिस इज बिकॉज बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस इट। तो जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है ज़्यादा खाने की वजह से, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है ये लेने से। सिमिलरली अदर न्यूट्रल एसिड्स लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म मेटल सल्फेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाकी के जो न्यूट्रल एसिड्स हैं जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, ये भी सब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट की बात करी, कैल्शियम कार्बोनेट को ये बोला जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस किस सब्सटेंस में आपको मिलता है, कौन कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो जिसमें होता ही टोटली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एक तो मार्बल वो लिखा है, चौक, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक एंड एग शेल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सेम केमिकल कंपाउंड के फॉर्म्स होते हैं। एक्चुअल वो होते हैं वो जो हार्ड सा जो छिलका होता है अंडे का, ठीक है, अंडे का छिलका हो गया, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक,
तो ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हड्डी के लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है, मतलब अगर कोई बच्चा चौक खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छा है हड्डी के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस, पता ही आपको, जलते हुए मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाते हैं, हैप्पी बर्थडे तभी मनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस। दो मिनट रुकिए, अभी आ रहा हूँ।
चलिए जी, एसिड्स की छठी प्रॉपर्टी देखते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड्स की ये खास प्रॉपर्टी होती है, ये जो बेसिस होते हैं ना वो एसिड्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अगर एसिड्स का रिएक्शन उनके जस्ट अपोजिट से यानी कि बेस से करा दिया जाए तो वो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट के साथ वाटर बनाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस और अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद अ बेस, द बेस न्यूट्रलाइजेस, ये छठी प्रॉपर्टी है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। When an acid is treated with a base, the base neutralizes the acid and destroys its acidity. जब किसी acid को base के साथ में treat करा जाता है तो base neutralizes the acid and destroys its acidity. Therefore, the reaction between an acid and a base to form salt and water is called a neutralization reaction. जब भी किसी acid और base का reaction होता है तो उनको salt और water मिलता है, तो उसमें ना तो वो चीज़ खट्टी होती ना वो चीज़ कड़वी होती। खट्टा मतलब acid, कड़वा मतलब base, ठीक है, तो वो टोटली न्यूट्रल हो जाता है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हमने देखा पेज नंबर 10 पर आपके नोट्स में NaOH NaOH प्लस HCl गिव्स Na का क्या हो गया, Na की वैलेंसी होती है 1 प्लस, OH की वैलेंसी 1 माइनस, H की वैलेंसी 1 प्लस, Cl की वैलेंसी 1 माइनस। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया NaCl, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा HOH, HOH मतलब वाटर होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो ये देख लीजिए कि NaOH ये भी हार्मफुल है, जो बेस है ये भी हार्मफुल है, HCl जो है ये भी हार्मफुल है, लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बन रहा है, NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या है, वही कॉमन सॉल्ट जो हम खाने का नमक खाते हैं और पानी जो पीते हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो नमक नमक का पानी तैयार हो गया, तो इसको तो पिया जा सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सेफ रिएक्शन है कि अगर कभी भी कोई एसिड कहीं पर गिर जाता है तो उस एसिड का कहीं पर निशान ना रहे, या गलती से हमारी स्किन पर लग जाता है कहीं पर कोई एसिड, तो उसके ऊपर कोई भी बेस लगा लिया जाए तो बेस लगाते ही आपको कोई पानी वानी लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी जलन एकदम शांत हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। सेवन्थ देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स जो है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड्स जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही नहीं है, देखिए सातवां जो है, सातवीं प्रॉपर्टी है कि अगर मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन हो गया और एसिड का अगर रिएक्शन हुआ तो हमको क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी देखने से तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड तो यहाँ पर है, इसका मतलब ये मेटल ऑक्साइड है, इसका बेसिक नेचर है, इसका बेस वाला नेचर है, इसका मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बेस प्लस एसिड ही तो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं, जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड्स, द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। जैसे ही मेटल ऑक्साइड है ऐसे ही मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो भी बेसिक होते हैं नेचर में। द एसिड्स ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप ये देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर दो तरीके से बनता है, ठीक है, और वही दोनों तरीके हम प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में और प्रॉपर्टी नंबर सेवन में देखेंगे। एक तरीका वाटर के बनने का ये है कि एच का रिएक्शन OH- के साथ हो जाए, ठीक है, तो इसका बन इसके साथ, इसका बन इसके साथ, मतलब तो क्या बन जाता है, HOH बन जाता है, HOH ही तो, ये जो HOH है इसी को तो हम H2O बोलते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक, इसी को तो हम H2O बोलते हैं, ठीक। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है, एच वन प्लस, एच की वैलेंसी वन प्लस,
और साथ में ऑक्सीजन कंबाइन कर दिया तो ओ का टू इसके साथ आ गया, इसका वन इसके साथ आ गया, तो सीधे सीधे एच टू ओ बन गया, एच टू ओ बन गया। ठीक है, तो दो तरीके से वाटर बनता है, तो एच टू एच बना दो तो भी वाटर कहलाता है, या एच टू ओ बना दो तो भी वाटर कहलाता है। मेटल ऑक्साइड एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड सी यू ओ प्लस एसिड के नाम पर हमने फिर से वही ले लिया एच सी एल ले लिया। वैसे एच सी एल ले लिया जो कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी कितनी है 2 प्लस और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। अब जो कॉपर है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर एकदम पहले का एटाइन दूसरे के एनाइन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा सी यू सी एल और ये एच वन प्लस ये टू माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये वाला तरीका हो गया वाटर बनने का। ये क्या बन जाएगा हमारा एच टू ओ, एच टू ओ इस तरीके से, समझ गए। तो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि ये जो सी यू ओ है ये भी एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है जी, इसके बाद अगला देखते हैं, पेज नंबर 10 पर नीचे है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू रिमूव इनडाइजेशन ड्यू टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू रिमूव इनडाइजेशन ड्यू टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड होता है जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक होता है नेचर में। इट रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस इट। तो ये पेट में जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, उसके बाद आठवीं प्रॉपर्टी देखिए इसकी, एसिड्स की आठवीं प्रॉपर्टी जो है वो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम जो है बेस पूरा स्टार्ट कर देंगे। तो एसिड्स हैं क्रोसिव नेचर, द मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी क्रोसिव। एसिड्स का क्रोसिव नेचर होता है खासतौर पर जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स यानी कि मैन मेड एसिड्स जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो मतलब एडिबल एसिड्स होते हैं, खाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स एक्सीडेंटली ऑन स्किन क्लोथ्स और वुड इट कॉजेस सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन, इट कट्स होल्स इन द क्लोथ्स एंड बर्न्स द वुड। लकड़ी को जला देता है, स्किन को जला देता है और जो कपड़े हैं कपड़ों में भी होल्स हो जाते हैं वो भी जला देता है। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। एसिड्स को भी कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करा जाता क्योंकि वो क्या करते हैं धीरे धीरे कोरोड कर देते हैं, मेटल को ख़राब कर देते हैं और मेटल को खा जाते हैं, मतलब मेटल को धीरे धीरे काट देते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी मेटल कंटेनर में एसिड रखा हुआ है और वो मेटल को भी खाने लगे एसिड, तो मेटल में तो होल्स हो जाएंगे जगह जगह क्योंकि मेटल को कोरोड कर रहा है, ख़राब कर रहा है, और फिर एसिड क्या करेगा बह जाएगा, जहाँ बहेगा वहाँ पर आसपास सब चीज़ों को जला तो ख़राब कर देगा। तो सो एसिड्स आर स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास एंड सेरामिक्स बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाई एसिड्स। ग्लास और सेरामिक्स दोनों की ये प्रॉपर्टी होती है कि एसिड का ऊपर कोई असर नहीं होता। सिमिलरली द स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो वेरी कोरोसिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय अवर स्किन। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं ये हम बेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज इतना ही कर लेंगे। कल आप लोग सुबह आ सकते हैं क्या? बताओ भी हाँ स्पर्श अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सुबह आ सकते हैं क्या कल? आवाज़ ही नहीं आ रही उधर से, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है एकदम से। मैं बता दूंगा जैसा भी होगा, ग्रुप पर मैसेज डाल दूंगा, देख लीजिए।